जी मैं शांत हो जाओ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी परेशान मत होइए। क्या परेशान ना हूँ? हाँ रात भर तुम गायब थी और तुम चाहती हो कि मैं परेशान ना हूँ। मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है? मेरा तो सर फटा जा रहा था ये सोच सोच के कि तुम ठीक हो कि नहीं। तुम खुद ही देख लो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान क्यों होती हो? जंको तू यहाँ कैसे? तुम जंको को जानते हो यूंगी? मुझे नहीं पता था, ये कौन है तुम्हारा? एक्चुअली आंटी ये मेरा भाई है। ओ ये तुम्हारा भाई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये ताई का स्टूडेंट भी है, ये यहाँ पर आता है ट्यूशन पढ़ने। चलो सारे बच्चे यहाँ पर हैं। वैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करने ही वाले थे, चलो सब लोग बैठ कर ब्रेकफास्ट कर लो। और ताई तुम अब कभी भी जाना ना तो जेमिन को बता देना, बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाती है। सब लोग ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। बस बहुत हो गया, वो हमारी जेल से भाग गई और हम लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए। अब हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग उन्हें पकड़ पाएंगे, जोन पर ही हम उन्हें पकड़ लेंगे। और बात रही उनके भागने की, तो वो चाहे जितना ही भाग लें, आखिर से उन्हें हमारे पास आना है। और जब तक वो हमारे पास नहीं आते तब तक हमें वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। जानती हूँ बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और बस एक बार हमारे हाथ आ गया ना, उसके बाद वो करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। चलो सबने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है, तो अब कुछ बातें भी कर लेते हैं। बेटा यूंगी तुम्हें कहा नहीं था कि आज एंगेजमेंट होगी, तो क्या तुम चाहते हो आज हो जाए? भाई ये सब क्या हो रहा है, आपकी एंगेजमेंट? आपने बताया नहीं कि आप शादी कर रहे हो, किससे कर रहे हो? अरे जंको क्या है ना, मैं तुझे बताने ही वाला था, लेकिन ताई गायब हो गई, उसकी वजह से हम लोग ढूंढने में लग गए और तू भी काफी परेशान था, तो बस इसीलिए हम लोगों ने नहीं बताया। अब चलो ठीक है, आपको माफ कर दिया। वैसे आप जरा ये बताएंगे कि कौन है वो लड़की? तुम्हारी टीचर की बहन जिमिन। इसका मतलब ये जंको का भाई है। लेकिन अगर ये जंको का भाई है तो जंको कैसा ही होगा? तो क्या मैं शादी होने दूँ? लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन किसी मुसीबत में पड़े। ओ वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा योगी तुमने अभी तक नहीं बताया कि आज एंगेजमेंट करें या फिर नहीं। आंटी मुझसे नहीं जिमिन से पूछिए, अगर जिमिन का मन है तो आज ही कर लेंगे। आंटी एक मिनट, मैं पहले जिमिन से थोड़ी सी बातें कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद योगी और जिमिन एक रूम में आ जाते हैं। आई नो कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, मैं बस तुमसे थोड़ी सी बातें करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जो भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया उसके लिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि शादी से पहले मैं वो हर मोमेंट के लिए तुमसे सॉरी बोल दूँ जिस मोमेंट पे तुम मेरी वजह से हर्ट हुई हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ नाटक कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा, मैं दिल से बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें अब हर्ट ना करूं। अब तुमने बोल लिया हो तो मेरी भी बात सुन लो। मैंने तुम्हें उस सब के लिए कब का माफ कर दिया? क्या सच में तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? लेकिन मैंने तो तुम्हें बहुत परेशान किया है, तो तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ क्यों कर दिया? मैंने उसी दिन तुम्हें माफ कर दिया था जब तुमने यंगो का असली चेहरा मेरे सामने लाया था, और उस दिन जो तुमने कहा था अगर तुम वो कर देते तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ ना कर पाती। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और उसी दिन से तुम्हारे लिए मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लग गई है। तुम सच बोल रही हो ना, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, मजाक कर रही हो? नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं ये शादी फोर्स में कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे शादी नहीं करनी होती ना तो तुम चाहे जितना ही फोर्स कर लेते मैं नहीं करती, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि शादी हो जाए। इसका मतलब तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, राइट? हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। क्या सच में? रुको रुको एक मिनट, नीचे चले। उसके बाद योंगी भी नीचे आ जाता है, उसके बाद सब लोग एंगेजमेंट की तैयारी करने लगते हैं। थी तो किसने किया था? ताई प्लीज तुम बताओ
मेरे जरिए से वो तुम्हारे पास पहुंच सके और तुम्हें पकड़ सके। आई डोंट नो कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे मॉम डैड हैं और वो तुम्हें क्यों पकड़ना चाहेंगे और तुम लोग उनसे भाग क्यों रहे हो। खैर ये बहुत लंबी कहानी है, ये हमारी पास्ट की कहानी है। वो हमारे मॉम डैड नहीं है, वो हमारे अंकल आंटी है। तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ बता सकते हो प्लीज, अगर तुम अनकम्फर्टेबल ना हो तो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी अनकम्फर्टेबल नहीं होता, और बात रही मेरे पास्ट की तो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। फिर उसके बाद जंको टाई के पास बैठ जाता है और अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। हम लोग बहुत छोटे से थे तभी हमारे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। हाँ इतना पता था कि उनकी एक फ्रेंड थे जिनका नाम सुजुकी था। मेरे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमारी कस्टडी ले ली थी। उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो हमें पाल पोस कर बड़ा करेंगे, और उन्होंने हमें बड़ा भी किया, लेकिन हम लोगों ने उनके नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं की। उन्होंने कई बार ये बोला कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें, लेकिन योगी भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। इनफैक्ट वो मुझे टॉर्चर भी करने लगे थे। मेरे भाई ने मिस्टर सुजुकी से कई बार बोला कि वो मुझे छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जब मेरे भाई से ये सब नहीं देखा गया तो वो मुझे लेकर वहाँ से भाग गए थे। वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे, कई कंट्रीज में वो लोग पहुंच चुके थे, इसीलिए हमें कोरिया सबसे ज्यादा सेफ लगा, तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों डर के मारे भाग रहे हो। एक भाई पुलिस है और दूसरा भाई क्रिमिनल। मेरा मतलब ये है कि तुमने कई सारी मर्डर्स किए हैं, तो तुम डरते क्यों हो? हम लोग उनसे नहीं डरते हैं, हम लोग इस बात से डरते हैं कि हम उन्हें मार ना दें। बिकॉज क्या है ना, वो चाहे जैसे ही हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे मॉम डैड की जगह ली थी, तो बस इसीलिए। और उन्होंने हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया, तो बस इसी के लिए हम लोग उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे, या फिर यूँ कहो कि हम लोग उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगा था कि तुम अच्छे भी हो। मेरा मतलब ये है कि तुमने शुरुआत से ही मेरे दिल में सिर्फ अपने लिए नफरत पैदा की है, लेकिन तुम्हारा पास्ट जाने के बाद मुझे थोड़ी सी दया आ रही है तुम पर। ओह हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, अगर देना है तो प्यार दो, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। वैसे नीचे चलें, सब लोग नीचे वेट कर रहे होंगे, इसका मतलब मेरा जवाब नहीं दोगी। एनीवे चलो। फिर उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। तुम दोनों एक साथ, तुम दोनों क्या कर रहे थे रूम में? वो हम मिलकर बातें कर रहे थे। वैसे आप लोग हमारा वेट क्यों कर रहे हैं? वो एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि तुम हमारी रिंग सेलेक्ट करवा दो। या ऑफ कोर्स भाभी। क्या भाभी? तुम अभी भाभी मत बोलो, वैसे भी अभी शादी नहीं हुई है, तो ज्यादा दिन रह ही कहां गए हैं। आज एंगेजमेंट होगी, कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाएगी। वही तो बोल रहा हूँ, थोड़े दिन में तो मेरी भाभी बनी जाओगी, तो अभी से बोल रहा हूँ। ये लो, मेरी भांजी की एंगेजमेंट हो रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं, आज बता रहे हो। जी हो पंकज, आप आ गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप आ गए। आपको पता है आपके बिना मेरी एंगेजमेंट तो एकदम फीकी सी हो जाती। हेलो आप लोग कैसे हैं? मैं जी हो की गर्लफ्रेंड हूँ। ओह तो इसका मतलब अब आपकी भी शादी हो जाएगी। अच्छा है, आप अब सिंगल नहीं रहोगे? हाँ मेरी तो शादी हो ही जाएगी और मैं सिंगल से मिंगल हो गया हूँ। लेकिन तेरी कब होगी? तूने कहा था कि तू सुबिन से शादी करेगी। सुबिन कहाँ है वैसे? वो जी हो क्या है ना, उस सुबिन ने फिर से मेरी टाइप को धोखा दिया। उसने फिर से उस सरंग से मिलकर मेरी टाइप को धोखा दिया है। वो कभी नहीं सुधर सकता, उसने फिर से टाइप को धोखा दिया। अगर वो मेरे सामने होता ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कितना ज्यादा बदतमीज है, उसे माफी देनी ही नहीं चाहिए थी। सही काम कर, मैंने इसे पहले ही बोला था कि उस पर इतना भरोसा ना करे, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं है, तो क्या हो सकता है। चलो अब रहने दो, वैसे भी मुझे उस सुबिन की बात करनी ही नहीं है और ना ही सुननी है, कोई उसके बारे मत करो। सब लोग वापस से काम में लग जाते हैं। ताए को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे सुबिन का नाम सुना था, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है और जंकुक भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ जाता है। ताए क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से ऊपर क्यों आ गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्या ये सच है कि मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करता? सब मुझे हर्ट करके क्यों जाते हैं? सब नहीं, सिर्फ सुबिन, और मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें पता है पहले मुझे डेस्टिनी पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मुझे विश्वास होने लगा है। बिकॉज पहले तुम सुबिन से प्यार करती थी, लेकिन डेस्टिनी की वजह से अब तुम मेरी डेस्टिनी में हो। अगर तुम मेरी डेस्टिनी में ना होती ना, तो मैं चाहे जितनी ही कोशिश कर लेता तो मेरे पास ना आ पाती। लेकिन शायद डेस्टिनी ही चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाए, तभी तो सुबिन का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया।